गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 7 का एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ और ये हमारा दूसरी क्लास है चैप्टर 7 की। चैप्टर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आज हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। पेज नंबर आपको ओपन करना है 39। ओके 39, यहाँ पे देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। आपको जो ये बॉक्स बने हैं इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये पढ़ने पड़ेंगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट है यू गो टू स्कूल टू, आप स्कूल जाते हो। ए स्लीप, सोने के लिए। बी स्टडी करने के लिए। तो इस पर किस पर टिका गया, बी पे, ठीक है। तो हम स्कूल क्यों जाते हैं, स्टडी करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है यू लर्न डैश हैबिट्स इन द स्कूल, मतलब आपको स्कूल में किस चीज़ की हैबिट होती है, कि कैसी हैबिट होनी चाहिए, गुड या बैड। तो यहाँ पे हमको ए पे टिक लगाएंगे, गुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू लर्न गुड हैबिट्स इन द स्कूल, आपको स्कूल में कैसी आदतें सीखनी चाहिए, गुड हैबिट्स, ठीक है। बैड हैबिट्स, बैड मतलब बेकार होता है, गंदी। तो हमको कैसी हैबिट्स होनी चाहिए, हैबिट्स मतलब आदत, गुड हैबिट्स, ठीक है। थ्री है द टीचर्स सिट इन द, तो टीचर्स किस में बैठती है, ऑडिटोरियम में या स्टाफ रूम में। तो यहाँ पे बी पे टिक लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें स्टाफ रूम में बैठती हैं टीचर। फोर है यू सिट इन द, तो आप बैठते हो, आप कहाँ बैठते हो, ए क्लास रूम में, बी प्ले ग्राउंड में। तो कहाँ बैठते हैं आप, क्लासरूम, एक क्लासरूम में टिक लगाएंगे, ठीक है। सीट मतलब बैठना होता है, तो आप क्लासरूम में बैठते हैं। फाइव है द टीचर राइट्स ऑन द डेस्क, तो टीचर लिखती है ए डेस्क पे, बी वाइट बोर्ड पे। तो किस पे लिखती है टीचर, बी वाइट बोर्ड पे, ठीक है, बी पे टिक लगाएंगे, वाइट बोर्ड। चलिए पेज टर्न करने की, यहाँ देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बॉक्स, ठीक है। ये चैप्टर मैं पहले करा चुकी हूँ, जिन्होंने कर लिया है वो देख लें, लर्न कर लें, और जिन्होंने नहीं करा है वो कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में ऐड हुए तो वो कर लें और बाकी लर्न कर लें, ठीक है। ऑलरेडी हम कर चुके थे ये चैप्टर पहले, फर्स्ट टर्म में रिवाइज करवा रहे हैं आप लोग को, और जिन्होंने नहीं करा है वो अच्छे से ध्यान से इसको लर्न करें। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल करना है हमको, तो ये वर्ड बॉक्स बना है, इन्हीं में से फिल करना है। वन है यू प्ले इन द डैश ऑफ योर स्कूल, तो आप अपने स्कूल के कहाँ पे खेलते हो, तो यहाँ पे आएगा प्ले ग्राउंड, यहाँ पर लिखा है ना प्ले ग्राउंड, तो ये लिख देना हमको यहाँ पे, यू प्ले इन द प्ले ग्राउंड ऑफ योर स्कूल, मतलब आप अपने स्कूल के प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। सेकेंड है यू गो टू योर स्कूल्स डैश टू रीड बुक्स, आप अपने स्कूल में बुक्स पढ़ने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा लाइब्रेरी, यहाँ पे लिखा है ना लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मीन्स जहाँ पे बुक्स रखी होती है, ठीक है। थर्ड है यू लुक एट द डैश व्हेन योर टीचर राइट्स ऑन इट, तो यू लुक एट द डैश, कहाँ देखना है आपको, जब आपकी टीचर आपको लिखती है तो आपको कहाँ देखना है, वाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो यू लुक एट द वाइट बोर्ड, आप वाइट बोर्ड पर देखें, जब व्हेन योर टीचर राइट्स ऑन इट, जब आपकी टीचर इस पर लिखती है तो आपको वाइट बोर्ड में देखना चाहिए, ठीक है। फोर है यू थ्रो द लिटर इन द, आपको लिटर मतलब जो कचरा होता है वो फेंकना है, कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डस्टबिन। फाइव है यू डैश मैनी थिंग्स एट स्कूल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू डैश लर्न, मतलब आप स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लर्न मतलब सीखना होता है ना, मैनी थिंग्स एट स्कूल, तो आप स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब यहाँ देखिए राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द बॉक्स, अब जो स्टेटमेंट्स है ये, इनमें आपको जो ट्रू है उस पर टी लिखना है और जो एफ गलत है उस पर एफ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट है यू शुड लिसन टू योर टीचर केयरफुली, मतलब आपको अपनी टीचर की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, तो इसमें आ जाएगा टी, ये सही है ना, आपको अपनी टीचर की बातें ध्यान से सुननी चाहिए। सेकंड है
दूसरा है यू शुड जम्प ऑन डेस्क एंड चेयर, मतलब आपको डेस्क और चेयर पे जंप करना चाहिए, कूदना चाहिए, तो ये फॉल्स है, है ना, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, तो ये फॉल्स है। थ्री है यू शुड प्ले इन द प्लेग्राउंड, आपको प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, तो ये ट्रू है, टी लिख दिया हमने, ठीक है, थर्ड वाला ट्रू है, मतलब आपको प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, तो ये सही है। फोर है यू शुड मेक नॉइज़ इन द क्लासरूम, मतलब आपको क्लासरूम में नॉइज़ करना चाहिए, शोर करना चाहिए, तो ये फॉल्स है, नहीं करना चाहिए हमको क्लासरूम में शोर। फाइव है यू शुड राइट ऑन द क्लासरूम वॉल्स, मतलब आपको क्लासरूम की जो वॉल्स होती है, दीवार होती है, उस पर लिखना चाहिए, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है, हमको दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू गो टू स्टडी, आप इस पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो वी गो टू स्कूल टू स्टडी, मतलब हम स्टडी के लिए कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी क्लासरूम्स आर देयर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने क्लासरूम्स हैं, तो इसका आंसर है माई स्कूल हैज़ मैनी क्लासरूम, मतलब मेरे स्कूल में बहुत सारी क्लासरूम है, यहाँ पे हमने काउंटिंग नहीं लिखी है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर डू यू प्ले इन द स्कूल, आप स्कूल में कहाँ खेलते हैं, इसका आंसर है वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड, हम प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, ठीक है। पेज नंबर 41 में है, ऊपर देखिए वेयर डू यू थ्रो लिटर इन द क्लास, मतलब क्लास में आप जो कचरा होता है वो कहाँ फेंकते हैं, तो वी थ्रो लिटर इन द डस्टबिन, हम कहाँ फेंकते हैं कचरा, डस्टबिन में फेंकते हैं, ठीक है, लिटर मीन्स कचरा। फाइव है डू यू शेयर योर फूड विथ योर क्लासमेट्स, क्या आप अपना फूड जो है लंच है वो अपने क्लासमेट्स से शेयर करते हो, बांटते हो अपने क्लासमेट के साथ, तो यस वी शेयर फूड विथ आवर क्लासमेट्स, मतलब हम अपने क्लासमेट्स के साथ अपना भोजन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, बांटते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है वैल्यू लाइफ, मतलब लाइफ का, जीवन का महत्व, तो जो है लर्न द फॉलोइंग पोएम, आपको ये पोएम लर्न करनी है, इसका मतलब देखिए आई वैल्यू लाइफ, मतलब मैं लाइफ को महत्व तो देता हूँ, फॉर लाइफ इज गिविंग, मतलब लाइफ क्या है, लाइफ देने के लिए, लिविंग मतलब जीवित रहने के लिए, ठीक है, लिविंग मतलब जीवित रहना, आई वैल्यू लाइफ, मैं लाइफ को महत्व तो देता हूँ, फॉर लाइफ इज गिविंग, और लाइफ किसके लिए है, देने के लिए, गिव मतलब देना होता है ना, लाइफ देने के लिए है। आई वैल्यू लाइफ, लाइफ को महत्व तो देता हूँ, फॉर लाइफ इज केयरिंग, कि लाइफ किसके लिए है, केयरिंग मतलब देखभाल के लिए है लाइफ। आई वैल्यू लाइफ फॉर लाइफ इज शेयरिंग, और लाइफ यहाँ पे शेयर करने के लिए, बांटने के लिए, ठीक है, तो ये पोएम है, इसको लर्न कर लीजिएगा। इसके नीचे देखिए एक एक्टिविटी टाइम है, इसमें आपको क्या करना है, कलर द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ अ स्कूल विथ क्रेयॉन्स ऑफ योर चॉइस, मतलब इस जो स्कूल बना हुआ है इसको आपको कलर करना है, ठीक है, अच्छे से कलर करेंगे आप अपनी उससे कर सकते हैं, इच्छा से आपको जो कलर करना है अपनी चॉइस से, ठीक है, तो इसको आपको कलर करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, और ये क्वेश्चन आंसर आपको लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। चलिए आज के लिए।